12 राज्य 150 दिन 3570 किलोमीटर और राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज, जाने क्या कुछ है खास। सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज श्रीनगर में होने जा रहा है। इस दौरान यात्रा ने कई अहम पड़ावों को पार किया। एक नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि में कई बदलाव भी हुए। आम से लेकर खास लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और भारत जोड़ने का नारा देते हुए विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज 30 जनवरी है और ये दिन कांग्रेस और भारतीय राजनीति के लिए बेहद खास है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1948 में इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। लेकिन इस बार का शहीद दिवस कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ खास है क्योंकि कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ये समापन समारोह काफी खास है। इसलिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की समान विचारधारा वाले दलों को आज के इस समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए चिट्ठी लिखकर आमंत्रित किया। कांग्रेस के साथ इन पार्टियों के प्रमुख बड़े जोश और खरोश के साथ इस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्रीनगर में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के दौरान भी यहां के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आने वाला है। इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर पर कड़ी सुरक्षा के बीच तिरंगा फहराया था। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। साथ ही जम्मू कश्मीर के कांग्रेस इकाई के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई थी क्योंकि इस यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में कुछ चूकें भी हुई हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी ने श्रीनगर के बुलेवार्ड के नेहरू चौक पर अपनी यात्रा को विराम दिया। बता दें कि 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जिसका समापन आज श्रीनगर में होगा। इस यात्रा ने 3,500 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं राहुल गांधी की यह यात्रा 75 जिलों से होकर गुजरी। इस पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक जंग तेज रही। जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले, वहीं बीजेपी के नेताओं ने इस यात्रा को पूरी तरह से असफल बताया था। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को काफी सफल बता रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा भले ही समापन पर है लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के कदम अब थमते नहीं दिख रहे क्योंकि अब कांग्रेस ने अपना अगला अभियान भी शुरू कर दिया है जिसको हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम दिया गया है। अब इसी के जरिए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।